I don't have much to say beyond a big thank you to Gauri. Balki, you heard him. See all the good things. भरे मंच पर अपनी पत्नी श्रीदेवी को याद करते हुए बोनी कपूर फूट फूट कर रोने लगे। माइक पर बोलते हुए उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। बोनी कपूर को पहली बार लोगों ने इस तरह से रोते हुए देखा तो उनकी भी आंखें भर आईं। दरअसल श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म इंग्लिश विंग्लिश को 10 साल पूरे होने पर एक इवेंट रखा गया था। इस मौके पर मुंबई में स्क्रीनिंग रखी गई जहां फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट पहुंची थी। इस मौके पर बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर भी पहुंचे थे। इंग्लिश विंग्लिश वही फिल्म थी जिसके जरिए श्रीदेवी ने 15 साल बाद फिर से फिल्मों में वापसी की थी। ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। इससे पहले श्रीदेवी की आखिरी फिल्म जुदाई थी जो 1997 में रिलीज हुई थी। इतने लंबे गैप के बाद श्रीदेवी जब पर्दे पे आईं तो लोग उन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों में टूट पड़े। सिर्फ 10 करोड़ में बनी इंग्लिश विंग्लिश ने 102 करोड़ रुपए की कमाई की थी। श्रीदेवी अपने दौर में हीरो से बड़ी स्टार मानी जाती थी। वो उस दौर में हीरो से ज्यादा फीस लेती थी। उनकी दीवानगी का आलम आप इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन साल 2018 में श्रीदेवी का निधन हो गया और बोनी कपूर अकेले रह गए। बोनी कपूर ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी मोना थी जिनका भी निधन हो चुका है। 2 शादी करने के बाद भी बोनी अकेले रह गए। बोनी श्रीदेवी से बहुत प्यार करते थे और जब मंच पर उनको श्रीदेवी के बारे में बोलने के लिए कहा गया तो वो इस तरह से रो पड़े। I don't have much to say beyond a big thank you to Gauri. Balki, you heard him. See all the good things. But the best thing was this film which happened to her and to all of us. And I'm sure her fans who've always loved her, given her love. I wish she was here. Thank you, Gauri. Thank you, Balki. Thank you, Boni. Thank you. Yeah. No, because she'll talk later. Thank you so much, Balki. Thank you, Boni, sir. There's one person I think it's... I think we need to call on stage because... she had something to do with the film. I mean, I, she...